जलाली बाबरकत और पुरफजर नाम में मेरी तरफ से तमाम हेवंस टीवी देखने वालों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सलाम कबूल हो। आज सुबह हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाई कदूस ने आज ये वक्त और ये लम्हा दिए कि हम खुदाई कदूस के कलाम अकदस में से अपनी जिंदगियों की हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम को सुने। जबकि मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि हम 2018 के इस नए साल में दाखिल हो चुके हैं और बहुत सारी नई उम्मीदें हैं, बहुत सारे नए ख्यालात हैं, नई बहुत सारी रोया हैं और हर एक इंसान की ये ख्वाहिश है कि खुदा उसकी ज़िंदगी में अचीव काम करे और हर एक इंसान की ये ख्वाहिश है कि उसकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स काम करे और खुदावंद यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाए। बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे एवेंजलिस्ट्स, बहुत सारे मुबशर्स, बहुत सारे खादमीन, बहुत सारे बिशप्स, बहुत सारे पास्टर्स अपनी कलीसियाओं को ये तालीम दे रहे हैं कि हमारा पूरा मकसद जो है वो खुदाए कदूस की खिदमत और उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है और खुदाए कदूस की इस जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम को जमीन की इंतहा तक पहुंचाना मकसद है। ये कलाम जो खुदाए कदूस ने हमारे लिए नाजिल किया, हम सब मेरे अजीजों एक बात जरूर जानते हैं कि हम जब भी कलाम पर अमल करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम ना करे। हम आज बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मुकद्दस मती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत करीमा के अंदर यूं मरकूम है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा आदमी है अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। कलामे मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, मैं अक्सर औकात जब भी कलाम अकदस को चर्चिस के अंदर, क्रूसेड्स के अंदर, प्रेयर मीटिंग्स के अंदर जब भी कलाम मुकद्दस को बयान करता हूं तो मैं हमेशा एक बात पर ज्यादा तरजीह देता हूं, कलाम अकदस को पढ़ लेना, सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारी जिंदगियों में इसको अमल में लाना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं और इसको सुन लेते हैं, पढ़ लिया सुन लिया लेकिन अमल में नहीं लाया तो फिर कोई फायदा नहीं। और किताबे मुकद्दस के अंदर, मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और अगर हम इस किताबे मुकद्दस पर और इन सुनहरी उराक पर बिखरे हुए इन कीमती अल्फाजों पर जो खुदाए कदूस के अंदर से निकलते हैं, अंदर से सादर होते हैं, हम जब इस कलामे मुकद्दस पर अमल नहीं करते तो फिर हम हमारी जिंदगियां भी बाबरकत नहीं बल्कि बेबरकत है। बहुत जरूरी है कि हम कलामे मुकद्दस पर अमल करें। हमने जो आयत करीमा पढ़ी है वो कुछ यूं है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
मेरे अजीजों, हम बचपन से बुढ़ापे तक किसी बशर से, किसी बेटे से, बेटी से, किसी बुजुर्ग से पूछ लिया जाए, आपको कोई ऐसी किताब मुकद्दस में से आयत करीमा आपको याद हो तो वो एक आयत दोहराएगा बाइबल के अंदर, यूं मरकूम है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने के मेरे अजीजों बहुत सारे तरीके हैं, रिक्वेस्ट करके मांगना, हाथ जोड़ के मांगना, सिजदा करके मांगना, इल्तजा करके मांगना, दरख्वास्त करके मांगना, और अपने आप को सरेंडर करके मांगना। लेकिन ये सारी चीजें इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदाई कदूस के आगे, हम जब खुदाई कदूस के अहदे अतीक के मुताबिक खुदाई कदूस को सिजदा करके, रिक्वेस्ट करके और उसके आगे झुककर खुदाई कदूस से जब मांगते हैं, तो मेरा ईमान है कि अगर खुदा मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है, अगर मेरा खुदा मुझे अपने जलाल, मुझे अपने फजल के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि किसी बशर के अंदर खुदा का काम ना हो सके। खुदा से वो मांगे और मेरा खुदा उसे ना दे, ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की अगर मैं शान अकदस को बयान करूं तो शायद मेरी औकात नहीं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं और मेरी वो हैसियत नहीं कि मैं अपने खुदाई कदूस यानी खुदावंद यीशु मसीह की शान अकदस को बयान कर सकूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया और हमें उस इख्तियार के मुताबिक जो उसने हमें हक बख्शा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा कटकटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमें सिर्फ जरूरत है मांगने की, हमें सिर्फ जरूरत है खटखटाने की, हमें सिर्फ जरूरत है खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने की, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर अमल करने की, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करने की। और हमेशा की जिंदगी तब मिलती है, नेमतें तब मिलती हैं जब हम कलामे मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं और मांगते हैं। क्योंकि मांगना अपने सिर्फ और सिर्फ खुदाई कदूस से है जिसने कहा कि मैं जमीन की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और वो एक ही नाम है जिसने आपको और मुझे ये इख्तियार दिया। क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जो इज्जत के लायक हो, जिसने आपको इख्तियार दिया हो, जिसने मुझे इख्तियार दिया हो, वो एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है जिसने कहा दरवाजा कटकटाओगे मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा, तुम मेरे घर आओगे, मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी आवाज को सुनूंगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं तुम्हारी दुआओं पर कान लगाऊंगा, मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाऊंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मांगो तो रेयाकारों की तरह बुड़बड़ा कर ना मांगो, बल्कि तुम बंद कोठड़ी में जाओ, दुआ करो, मेरे आगे झुको, मुझे सीजदा करो, तो देखो मैं तुम्हारा खुदावंदों का खुदा तुझे उसका अजर जरूर दूंगा। अगर हम बुरे हैं, अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, जैसा कि किताबे मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा वाज़ह तौर पर यूं बयान किया कि अगर किसी शख्स का बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, और मछली मांगे तो उसे सांप दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इंसानी या बशरी जिंदगी के अंदर ऐसा नामुमकिन है तो वो तो फिर हमारा पालनहार है, हमारा रहीम खुदा है, हमारा करीम खुदा है, जो कुदरते कामिला में हकीकी नूर है, सच्चा आदिल है, जो किसी से बेइंसाफी नहीं करता, जो किसी की तरफ उंगली नहीं उठाता,
वो खुदा जो मुआफ करता है, वही खुदा कदूस जो हमें मुआफ करने की कुदरत रखता है, वही खुदा कदूस जिसने हमें और हमारे गुनाहों से छुटकारा देने के लिए अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम सब उस पर ईमान लाएं, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। और हमेशा की जिंदगी देने वाला ये फरमाता है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को भी अच्छी चीजें क्यों ना देगा। क्योंकि आपका और मेरा आका खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि मैं दिलों और गुर्दों को जांचने वाला। आज इस 2018 के साल में हमें जरूरत है मांगे तो सिर्फ खुदा कदूस से, हम गिड़गड़ाएं तो सिर्फ खुदा कदूस के आगे, अगर हम कुछ मांगे तो सिर्फ एक ही नाम के वसीला से, वो नाम यीशु मसीह का है, वो नाम मेरे आका का है, वो नाम मेरे नजात दहिंदा का है, वो नाम जो एक ही नाम है वो यीशु नाम है। और उसी यीशु नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है, उसी यीशु नाम के अंदर शिफा पाई जाती है, उसी यीशु नाम के अंदर हमें नेमतें मिलती हैं, उसी यीशु नाम के अंदर हम जब रहते हैं तो वो यीशु नाम ही हमारी प्रोटेक्शन करता है, वही यीशु नाम है जो हमें सरफराज करता है, वही यीशु नाम है जो हमें जमीन से, हमारी पस्त हालियों से निकालकर हमें बुलंदियों की तरफ लेकर जाता है। और वो नाम जिसकी बाबत फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया कि तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और वही जो नजात देने वाला है, वही जो शाफी है, वही जो पालनहार है, वही जो सरफराज करने वाला है, वही जो हमारे हमारी मुसीबतों से हमें निकालने वाला है, वही जिसके नाम से हम शिफा पाते हैं, वही जिसके नाम से बदरूहें कांपती हैं, वही जिसके नाम से बीमारियां भागती हैं, वही जिसके नाम से बड़े बड़े मौजज़े होते हैं, वो एक ही नाम है, वो यीशु नाम है जिसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा कटकटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज मेरे असीसों हमें जरूरत है, हम जब मांगे, हम जब गड़गड़ाएं, हम जब झुकें तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम के आगे झुकें, क्योंकि यीशु नाम ही एक ऐसा नाम है जो कुदरत कामिला में जो हकीकी नूर है, सच्चा आदिल है, जो दिन को रात में, रात को दिन में, और सुबह को शाम में, शाम को सुबह में, और हमें बहुत सारे मौसमों के बायस हमें शिफा बख्शता है। और उन मौसमों के अंदर जब हम रहते हैं तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। अगर हम खुदा कदूस से मांगते हैं तो हमें जाना खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात के मुताबिक ही पड़ेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाला हूं, मैं तुम्हारे दिलों और गुर्दों को परखने वाला हूं, मैं तुझे शिफा देने वाला हूं, मैं ही तुझे नेमतें अता करने वाला हूं। आज इस 2018 के अंदर हमें जरूरत है कि हम 2018 में खुदावंद यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, एक दूसरे के लिए बरकत को मांगे, एक दूसरे के लिए बहाली को मांगे, एक दूसरे के लिए शिफा को मांगे, एक दूसरे के लिए नजात को मांगे, एक दूसरे के लिए कलाम को मांगे, एक दूसरे के लिए तसल्ली को मांगे, एक दूसरे के लिए मोहब्बत को मांगे, एक दूसरे के लिए प्यार को मांगे, एक दूसरे के लिए हम बाहमी रजामंदी मांगे। और जिन घरानों के अंदर मांगना नहीं आता, जिनको मांगना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से नहीं आता, जिनको झुकना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से नहीं आता, आज मैं कलामे मुकद्दस को आपकी तरफ उठाकर ये के मिन्नत करता हूं कि आप मांगे पूरी रिक्वेस्ट के साथ, पूरी इल्तजा के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, और अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल और अपनी पूरी ताकत से खुदाई कदूस से मांगे। मेरा ईमान है कि मेरा खुदा सख्त दिल नहीं है, मेरा खुदा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा खुदा आपको नेमतों से ना नवाजे, मेरा खुदा आपको मोहब्बत से ना नवाजे, मेरा खुदा आपको सरफराजियों से ना नवाजे, मेरा खुदा आपको शिफा ना बख्शे, मेरा खुदा आपको
ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा खुदा आपके लिए आसमान के दरीचों को ना खोले, क्योंकि मेरा खुदा जो कहता है वो ऐसा ही होता है कि उसके उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत से फरमाया। आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज नहीं टलती। आज मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम जब खुदाई कदूस के आगे झुके, हम जब खुदाई कदूस के आगे सिजदा करें, तो हम सिर्फ मांगे यीशु मसीह के नाम से, जो नाम हमें बुलंदियों की तरफ लेकर जाता है, जो नाम हमें सरफराजियों की तरफ लेकर जाता है, जो नाम हमें नेमतों की तरफ लेकर जाता है। और वो नेमतें एक नाम से मिलती हैं, वो नाम यीशु नाम है, जिसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें दिल से, अकल से और अपनी पूरी ताकत से जब खुदा से मांगे, तो मेरा ईमान है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा खुदा हमें अता ना करे। मैं तमाम बहनों से, बेटियों से, माओं से, बुजुर्गों से, बड़ों से, सबसे ये आज इल्तजा करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि आप 2018 में खुदा से शिफा को मांगें, खुदाई कदूस से बहाली को मांगें। जिनके दिमाग पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, शैतान ने जकड़ रखा है, आज मेरा ईमान है कि आज आप इस कलाम के वसीला से जब खुदाई कद्दूस से अपने दिमाग की बहाली को मांगेंगे, तो मेरा ईमान है कि आप जब शैतान के चुंगल से आजाद होंगे, तो आप रूहुल कुद्दस से मामूर होंगे। आज जब आपके दिल पर जो शैतान की जकड़न में है, जो आपका बदन शैतान की शिकंजे में है, आप जब खुदाई कद्दूस से बहाली को मांगेंगे, तो मेरा ईमान है कि रूहुल कुद्दस जब आप पर साया करेगा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपके जुए बंधन टूटेंगे, आपको बहाली मिलेगी, आपको आजादी मिलेगी, और 2018 के अंदर आप बथेरे लोगों के लिए, बथेरे खानदानों के लिए बरकत का बायस बनेंगे, ना कि ठोकर का बायस। हर एक इंसान के अंदर एक हीरो छुपा हुआ है, हर एक बशर के अंदर एक बड़ा हीरो छुपा हुआ है। अपने हीरो को जगाएं, अपने अंदर को जगाएं, तो मेरा ईमान है जब वो जागेगा, तो खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए सुनहरी कानूनों को समझेगा, और जब समझेगा अमली जिंदगी में लाएगा, तो मेरा ईमान है कि मेरे अजीजों आप बरकत पाएंगे, और उस बरकत के वसीला से आप खुदाए कदूस के अलावा किसी माबूद के आगे नहीं झुकेंगे, किसी माबूद को सिजदा नहीं करेंगे, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ खुदाए कदूस के आगे झुकेंगे, उसी को सिजदा करेंगे, उसी के नाम से मांगेंगे, और उसी के दरवाजे पर जब आप जाकर खटखटाएंगे, तो मेरा ईमान है कि आपके लिए आसमान के दरीचे खुलने शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोगों से फिर से इल्तजा और मिन्नत और इल्तमास करता हूं कि आप 2018 में मांगे तो सिर्फ खुदाई कदूस से, दरवाजा खटखटाएं तो सिर्फ खुदाई कदूस का, झुकें तो सिर्फ खुदाई कदूस के आगे, और ढूंढे तो सिर्फ खुदाई कदूस को, क्योंकि खुदाई कदूस का वादा है, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद होंगे। और मेरा ईमान है जब हम इनफरादी तौर पर, कलीसियाई तौर पर जब खुदावंद के आगे झुकते हैं, तो मेरा खुदा आसमान के तख्त को छोड़ देता है, मेरा खुदा अपने तख्त को छोड़ देता है, मेरा खुदा आसमान को छोड़ देता है, और रूह कुद्स की कुदरत में आप लोगों के दरमियान में उतर आता है। और जब आप लोगों के दरमियान में उतरता है, जब आप लोगों के दरमियान में उसकी शान अकदस आ जाती है, जब वो कुदरत कामिला में हादिये आजम बन के आप लोगों के दरमियान में आ जाते हैं, तो आप उसी वक्त शिफा पाना शुरू हो जाते हैं, आप उसी वक्त बहाली पाना शुरू हो जाते हैं, आप उसी वक्त रिहाई पाना शुरू हो जाते हैं, आप उसी वक्त बरकात को रिसीव करना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि तुम बुरे होकर, अगर हम अपनी जिंदगियों में बुरी रिवशें हैं, बुरे काम करते हैं, बुरी सोबतों में हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हम अपने बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ें देते हैं, और ऐसा होता ही नहीं कि हम अपने बच्चों को बुरी चीज़ें दें, हम अपने बच्चों को फटे हुए कपड़े पहनाएं, हम अपने बच्चों को अच्छा खाना ना खिलाएं, हम अपने बच्चों को अच्छे शूज़ ना लेके दें, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में स्टडी ना करवाएं, ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि हमारे खुदाई कदूस खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुम मांगते हो तो मैं तुम्हें अता करता हूँ। लेकिन हम जब ईमान के साथ मांगते हैं तो फिर ही हमें मिलता है, और ईमान
जब हमारी जिंदगियों के अंदर मजबूत हो जाता है तो फिर ही हमारे अंदर तनावर दरख्त बनता है, और जब हमारे अंदर तनावर दरख्त बनता है तो उसको बहुत सारा फल लगता है, और उस फल के वसीला से लोग उस फल को देखकर खुशी मनाते हैं और खुश होते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और जब उस खुराक में से लेते हैं, उस खूबसूरत फल को लेकर खाते हैं, तो वो उनकी जुबान को भी टेस्ट देता है, उनके जिस्म को भी ताजगी देता है, उनकी हड्डियों को भी ताजगी देता है, उनके गोश्त को भी ताजगी देता है। तो इसलिए 2018 के अंदर हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि हम सिर्फ मांगें अपने पूरे दिल, अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी ताकत और अपने पूरे ईमान के साथ खुदा से मांगना है, और आप हमेशा उससे बरकत को पाते रहेंगे। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप सबों ने बरकत पाई है, और हमें इस कलाम के वसीला से खुदा बहुत सारी बरकत से नवाजे। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और कलाम मुकद्दस के लिए और अपनी जिंदगी में हिदायत और रहनुमाई के लिए दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा अजली पाक और पवित्र खुदा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपकी शुक्रगुजारी करता हूं इस बात के लिए कि आपने आज इस खूबसूरत सुबह के वक्त आज ये दिन बख्शा कि हम आज के दिन आपकी शुक्रगुजारी करें और मांगें तो सिर्फ आपसे, ढूंढें तो सिर्फ आपको, दरवाजा खटखटाएं तो सिर्फ आप ही का। और खुदाई कदूस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपका दरवाज़ा ना करें, आप हमारे लिए ना खोलें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपके आपकी हजूरी में आए, आपको ढूंढें, आप हमें ना मिलें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपसे मांगे, आप हमें अता ना करें, क्योंकि आपका वादा है और आप अपने वादों में, अपने कॉल में हमेशा आज से अब तक सच्चे हैं। आपके कॉल सच्चे हैं, आपके वादे सच्चे हैं। आप फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन तो टल सकता है लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। मैं इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूं और खुदाई कदूस मिन्नत करता हूं 2018 में बहुत सारे लोग आज के इस कलाम के वसीला से सिर्फ और सिर्फ आपकी शान अकदस को सिजदा करें, आपकी शान अकदस के आगे झुकें, आपसे मांगें, आपको ढूंढें, आपको पाएं, आपका दरवाजा कटकटाएं और आपकी हजूरी में झुकते रहें। मैं इन सब हेवंस टीवी देखने वालों को बरकत देता हूं, इन हेवंस टीवी देखने वालों के लिए दुआ करता हूं, इन सबको छू लीजिएगा, बरकत दीजिएगा, कायम रहने का फजल दीजिएगा, ताकि इसी तरह आपके फजल में कायम रहे और इकरार करते रहे आपके बंदे मुकद्दस पलूस रसूल आजम की तरह कि मेरे लिए तो मेरे खुदावंद का फजल ही काफी है। यीशु मसीहा के नाम में आमीन। यूं तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आपने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है। आप सबको खुदा बहुत ज्यादा बरकत दे, आप हमेशा सलामती में रहें, आप देखते रहें हेवंस टीवी, और अपने दोस्त रिश्तेदार अजीजों कारक को भी कहें आप हेवंस टीवी को ज्यादा से ज्यादा देखें और हेवंस टीवी के जरिए से अपनी बरकत को रिसीव करें। खुदा आप लोगों को बरकत दे। आमीन।